राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश की संभावना जताई है। प्री मॉनसून एक्टिविटी की वजह से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल तक बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सागर में सर्राफा व्यापारी मुन्ना लाल का अपहरण कर हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 5 लोगों को हत्या के 5 दिन के भीतर पकड़ा। सोने चांदी और 30 लाख नकद रकम बरामद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चोरों ने रात के अंधेरे में मंदिर में की चोरी। दान पात्र से पैसे चुराए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा। पिता के गाली गलौज करने और टोकने से परेशान होकर युवती ने पिता को जान से मार डाला। अंतिम संस्कार करने से पहले हुआ खुलासा। पंजाब के तरन तारण में प्रेम विवाह करने से नाराज भाइयों ने अपनी ही बहन की हत्या की। सरयाम बाजार में बहन को तेज धार हथियारों से मौत के घाट उतारा। कातिल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। पंपोर इलाके में धान के खेत में मिला पुलिसकर्मी का शव। जांच जारी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में बवाल जारी। बिहार में कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन। यूपी में भी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दूसरे राज्यों से भी हिंसा की खबरें आई सामने। राजस्थान के बहरोर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की। नियंत्रण के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। कोस्ट गार्ड और डिफेंस PSU में भी मिलेगा 10% कोटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। अग्निवीरों के लिए सरकार का एक और ऐलान। नौसेना के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में मिलेगी वरीयता। बिहार के मसौढ़ी में उपद्रवियों ने तारेगना रेलवे स्टेशन को फूंक दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार के जहानाबाद में फिर हिंसा। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने ट्रक और बस को आग के हवाले कर दिया। बिहार के रोहतास में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी और सरकारी गाड़ियों पर पथराव। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए चोटिल। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की आगजनी और पथराव। पत्थरबाजी में दर्जनों पुलिसकर्मी हुए घायल। जवाब में पुलिस ने की करीब 10 राउंड फायरिंग। बिहार में मुंगेर में भी अग्निपथ के खिलाफ छात्र हुए उग्र। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। बिहार के DGP SK सिंघल ने ABP न्यूज से कहा, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं हुई। एजिटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिहार बवाल में अब तक 138 FIR दर्ज और 700 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया, अब तक 140 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में अग्निपथ पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने 10 BJP नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। सभी नेताओं को वाई लेवल की CRPF सुरक्षा दी गई। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संजय जायसवाल समेत दूसरे नेता शामिल हैं। UP के जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात। बसों और बाइक में लगाई आग। अग्निपथ योजना के विरोध में किया बवाल। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। पश्चिम त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। राज्य में अलर्ट जारी।
बाबा। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।